Good morning. बज रहे अभी सुबह के 6:30। अभी यहाँ से तैयार होके पहले लेनी पड़ेगी बाइक। तो बाइक का मैंने कल रेंट पता करा था शाम को, तो होटल में जो है वो 200 रुपये की एक्टिवा मिल रही है। बाहर आप जाएंगे 200 की भी मिलेगी, 250 की भी देगा कोई, 300 की भी देगा। तो आप सर्च कर लीजिएगा कि 200 की कहाँ मिल रही है, वहीं से लीजिएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तैयार होने में, उसके बाद सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे। चले हो गए तैयार? लड़कियाँ कभी पूरी तैयार नहीं होती। हम लोग पहले जा रहे हैं अपना नाश्ता करने के लिए, और जिस हिसाब की यहाँ पे ठंड है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि हम लोग बाइक रेंट करेंगे। हम लोग गाड़ी ही प्रेफर करेंगे कि गाड़ी से ही सब जगह घूमें हम लोग, बट मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली है। तो हम लोग आए हुए हैं पंडित जी की शॉप पे नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे हो रहा है लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ऑल द धूप निकली हुई है बट फिर भी जैसे छाया में आते हैं तो काफ़ी ठंड पड़ती है। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कराया कि बाइक की जगह अपनी गाड़ी से ही चलते हैं, वो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस, घूमने की शुरुआत करते हुए हम निकल पड़े हैं अपनी इस जर्नी पे। आज हम लोग यहाँ की मेन डेस्टिनेशन कवर करने पड़े हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ माउंट अबू के बारे में थोड़े से बेसिक फैक्ट्स। माउंट अबू इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, राजस्थान स्टेट में एंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरोही। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात का बॉर्डर बहुत पास आता है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे गुजराती फूड स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे एंड बहुत सारे गुजराती पीपल भी मिलेंगे। तो फर्स्ट हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है आज दिलवारा टेंपल। दिलवारा जैन टेंपल्स हैं जो कि माउंट अबू की मेन सेटलमेंट एरिया से लगभग 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर दूर ही हैं बस। यूं तो इंडिया में कई फेमस जैन टेंपल्स हैं, पर दिलवारा टेंपल जाना जाता है इसके एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर और वाइट स्टोन मार्बल पर किए गए बहुत ही फाइन कार्विंग्स के लिए। ये हमारे दिलवाड़ा टेंपल, लेकिन अभी पीछे जहाँ पे अपने गाड़ी पार्क करी है वहाँ में एक ने बताया कि इसका टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया, 12 से 6 का हो गया। तो एक बार अंदर जाते हैं, देखते हैं टाइमिंग पता करते हैं, नहीं तो फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। क्योंकि ये मंदिर तो निकला बंद, अभी 12 बजे ही खुलेगा, कन्फर्म कर लिया। अब नेक्स्ट अपना चलते हैं गुरु शिखर। कम ऑन, लेट्स गो। गाइस, क्विक इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इज कि गुरु शिखर अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है, और अरावली माउंटेन रेंज अपने आप में दुनिया के कुछ सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है। आप जब गुरु शिखर के लिए निकलेंगे तो दिलवाड़ा टेंपल, ट्रेवर्स पार्क, अचलगढ़ फोर्ट और गुरु शिखर, ये चारों जो हैं वो एक ही रोड पे हैं। तो आपके ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही रोड पे कवर हो सकते हैं। एंड दो, हाँ जी। ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की एंट्री है? ग्राम पंचायत की। अच्छा, थैंक यू। तो जी, ये
पंचायत की एंट्री जो कि गुरु शिखर जाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा पर पर्सन 5 रुपये, तो हमने 10 रुपीज़ पे करें। और ये रहा वैक्स म्यूज़ियम लकी का, जो रास्ते में ही आपके आएगा, तो आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो की बिगनिंग में आपको बताया गया था, आप माउंट अबू से कोई टूरर भी रेंट आउट कर सकते हैं गुरु शिखर पहुंचने के लिए। आप देख ही रहे हैं ये रोड कितनी खूबसूरत है। जी यहाँ वही है हमारी गाड़ी पार्क, और वहाँ से वो भैया भी टिकट काट रहे हैं, तो देखते हैं टिकट कितने का है पार्किंग का। कितने की भैया पार्किंग? 2 व्हीलर 4 व्हीलर 4 50 रुपीज़ सर। ये यहाँ की एक और पार्किंग, तो यहाँ पे पार्किंग की तो कोई इशू है ही नहीं, आप आराम से गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। इट्स नथिंग लाइक टिपिकल हिल, मुझे लगा था कि हम पहाड़ी पे कहीं ऐसे ट्रैक करते हुए जाना पड़ेगा जैसे करणी माता के लिए होती, बट तो प्रॉपर डेवलप है। जैसे हमारा वो नहीं होता जैसे वैष्णो देवी के लिए जाते हैं, प्रॉपर डेवलप्ड एरिया, स्टेयर्स बनी हुई हैं, शॉप्स हैं सारी बच्चों के लिए भी। यहाँ पे खटोलो बताइए, स्पेशल आइटम कश्मीर का खटोलो मिलेगा। मंदिर में पहुंचने के लिए चढ़नी पड़ेंगी थोड़ी सी सीढ़ियाँ, पर ज़्यादा नहीं है, करणी माता से तो कम है। करणी माता से कम है। हमने पहले जो नीचे देखा था वो था गुरु दत्तात्रेय जी भगवान जी का मंदिर, और ऊपर आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे हैं उनकी चरण पादुका। कई लोग जो होते हैं वो इसको भी पर्वत में जोड़ लेते हैं हाइट में, तो ये टोटल हाइट जो इस पर्वत की हो जाती है वो जाती है 1727 मीटर। इस मंदिर की सबसे अच्छी खासियत ये थी, मंदिर बहुत ज़्यादा क्लीन था, तो आप जब जूते उतार के अंदर जाते हैं तो आपको मोजे उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा जो फ्लोरिंग है वो मार्बल है और काफ़ी क्लीन है, तो आपके पैर गंदे नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये जो मेरे पीछे है ये है लवर्स पॉइंट। तो गाइस अभी तक आपने देखी हमारी जर्नी फ्रॉम माउंट अबू टू गुरु शिखर। नाउ ऑन आवर वे बैक, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज ब्रह्मकुमारीज पीस पार्क। This park is beautifully placed between two hills, Guru Shikhar and Achalgarh. हम लोग आए हैं ब्रह्म कुमारी के पीस पार्क में, माउंट अबू में, यहीं पे इनका हेडक्वार्टर्स भी है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस पार्क है, जैसा कि नाम भी बताता है एकदम स्पिरिचुअल सा। यहाँ पे आप सुंदर सुंदर फ्लावर्स और इनकी गार्डनिंग देख सकते हो और जस्ट रिलैक्स कर सकते हो।
यहाँ पे आपको बहुत सारी ग्रीनरी, फूल और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ मिल जाएंगे। तो दिस इज़ अ गुड प्लेस एक्चुअली फॉर मेडिटेशन। ये एक्चुअली जो प्लेस बनाई गई है ये मेडिटेशन के पर्पज़ से ही बनाई गई है, तो यहाँ पे आप आके मेडिटेशन कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी पीस पार्क में इस पार्क के टूर के अलावा मेजर हाइलाइट्स हैं ह्यूमन सोल और मेडिटेशन से रिलेटेड एक शॉर्ट फिल्म एंड सर्टेन प्लेसेस टू मेडिटेट सच एज ग्रास हट, स्टोन केव एंड बैम्बू मेडिटेशन। हमारे पीछे जो है वो पूरा इनका मेडिटेशन सेंटर था। प्लेस इज रियली कूल, वहाँ पे मतलब इतनी साइलेंस है ना, बहुत अच्छा लगेगा बीइंग इन दिस एनवायरनमेंट। बहुत ही बढ़िया जगह है, मतलब रियली नाइस। माउंट अबू में ब्रह्म कुमारी पीस पार्क के बिल्कुल सामने ही कई खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप अपना शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं लंच और डिनर के लिए। एंड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज ट्रेवर्स टैंक। तो जी अब आ गए हैं हम लोग ट्रेवर्स टैंक, जिसे क्रोकोडाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ओपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसको जाने के लिए ऊपर ये टोटल 2 किलोमीटर का एक ट्रैक है। इसको आप गाड़ी से भी कवर कर सकते हैं और ट्रैक करके भी जा सकते हैं। बाहर से टिकट काउंटर है, वहाँ से एक पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअल का 55 रुपीज़ का टिकट होता है। पर इस टिकट की खास बात यह है कि ये सनसेट पॉइंट पे भी आपका काम आ जाएगा, क्योंकि सनसेट पॉइंट पे भी आपको इंडिविजुअली 55 रुपीज़ का टिकट खरीदना पड़ता है, तो ये दोनों का काम करेगा। और दूसरा, अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं ऊपर तो उसका 220 रुपीज़ अलग चार्ज है, तो हम लोगों ने वो पे नहीं करा। हम लोग 2 किलोमीटर की ट्रैक अपने आप चढ़ेंगे, ना कि गाड़ी से, और इसको पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। देखो जी सामने लंगूर, देखो मेरी बंदर लंगूर देख लो। अच्छा जी, फाइनली हम लोग आ गए ट्रेवर्स टैंक, और ये जो उधर की साइड है यहाँ पे हमारी गाड़ियों की पार्किंग। पहुँच गए ट्रैवल्स टैंक फाइनली डेस्टिनेशन पे, अराउंड 1 किलोमीटर का ट्रैक करके। ट्रैक में हमें लंगूर के अलावा तो कुछ नहीं मिले, थोड़ी सी चिड़ियाएँ मिली, बट यस ये सीनरी अच्छी है, सीनरी देखने में मज़ा आता है। सो वी आर बैक ऑन आर वे टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल्स टैंक। इट वॉज नाइस एज वी हैव शोन यू। यहाँ पे ऊपर एक पॉन्ड सा था, तालाब था छोटा सा, और कहते हैं उसमें मगरमच्छ होते हैं, पर वी कुडंट सी एनी, पता नहीं रीज़न, बट अभी तो कुछ नहीं था। और वाइल्ड लाइफ में हमें यहाँ पे सिर्फ लंगूर मिले। चलो जी वापसी में हम आ गए हैं दिलवारा टेंपल, जो कि हम स्टार्टिंग में नहीं कवर कर पाए थे इसके टाइमिंग की वजह से। तो हम लोग हो के आए अभी दिलवारा जैन टेंपल। बहुत ही सुंदर टेंपल है, वाइट मार्बल का बना हुआ, आप लोग ज़रूर जाइएगा। इसके टाइमिंग जो है वो सुबह 12 o'clock से शाम को 6 बजे तक के हैं, एंड यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम अंदर का तो नहीं कैप्चर कर पाए। बट हाँ, रिकमेंड ज़रूर करेंगे कि आपको जब मौका मिले तो यहाँ आके इसे विज़िट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आप जितना भी सामान है आपका वो सारा या तो अपनी खुद की गाड़ी में छोड़ के जाइए, या फिर लॉकर रूम्स हैं वहाँ पर आप सबमिट करा सकते हैं।
हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप दिन का वो है नक्की झील। नक्की झील पे जब जाते हैं तो उससे पहले आपका एक पूरा मार्केट पड़ता है, मार्केट एरिया है, उसको पार करते हुए जाते हैं। तो उसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, नीचे जाके काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स आपको मिल जाएंगे और फिर आएगी आपकी नक्की झील। Time for another interesting fact here. Nakki Lake 11,000 meters की height पे बनी हुई इंडिया की largest man-made lake है और ये अपने आप में एक sacred lake भी मानी जाती है for the tribe of Gerasia of Rajasthan. और अप्रैल मंथ में इसी ट्राइब का फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है नक्की लेक पे, जिसमें नेल्स देने का, जी हाँ, नाखून देने का प्रचलन है, इसीलिए इसका नाम है नक्की लेक। नक्की लेक का बेस्ट पार्ट ये है ना कि बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं यहाँ पर, जो आप लोकल यहाँ के फ्रूट्स ट्राई कर सकते हो, और जो वाटर एक्टिविटीज़ होती है जैसे यू कैन सी ओवर देयर बोटिंग इज़ देयर एंड दिस आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, मैं इसे रिंगा रिंगा रोजेस कहती हूँ, तो आप ये इंजॉय कर सकते हो। द व्यू इज़ नाइस, पीछे माउंटेन आगे वाटर, अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि दिस कॉम्बिनेशन आई जस्ट लव इट। हम लोग फाइनली जा रहे हैं अब सनसेट पॉइंट। इस समय बज रहे हैं 5:23 और जो आज सनसेट का टाइमिंग है जो मैंने गूगल पे चेक करा था दैट इज़ 6 PM। थोड़ा सा चढ़ के भी जाना होता है और 10 मिनट का यहाँ से रास्ता है, 6:45 तक हम लोग ऊपर पॉइंट पे पहुँचेंगे। सनसेट व्यू पॉइंट के लिए जैसे बताया था ना थोड़ी सी ट्रैक करनी पड़ती है, तो यहाँ पे गाड़ी आपको पहले ही पार्क करनी पड़ेगी। पार्किंग का थोड़ा सा इशू रहता है, हमें भी काफ़ी रहा, 5 से 10 मिनट बाद लगभग हमें पार्किंग मिली है यहाँ पे, काफ़ी दूर खड़ी करके आए हम लोग। थोड़ी सी पेड पार्किंग भी है जैसे ये है, पर ये छोटी छोटी पार्किंग्स हैं तो ये जनरली बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं, तो हम लोग तो काफ़ी दूर खड़ी करके आए हैं पार्किंग अपनी। बाकी आगे से रास्ता है यहाँ से, थोड़ा सा ट्रैक, बाकी फिर अपना व्यू। आप ऊपर घोड़े से भी जा सकते हैं या फिर पैदल, पैदल का रास्ता यहाँ से जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था हम लोग ट्रेवल्स टैंक गए थे, वहाँ का जो टिकट था ना वो यहाँ पे काम आ गया, तो सेपरेटली हमें 55 रुपीज़ पर पर्सन एक अलग से टिकट नहीं खरीदना पड़ा। एक बात ये नहीं समझ भाई, ये भाई साहब दूसरे बंदा लेने जा रहे हैं नीचे से, घोड़े पे बैठ के क्यों नहीं जा रहे? ये यहाँ से ना अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, आप कहीं से भी अलग अलग पॉर्च टाइप का एरिया बना रखा है तो यहाँ पे भी खड़े हो सकते हैं। बाकी यहाँ से और भी 3-4 जगह हैं। ये जहाँ पे हम जिस एरिया में खड़े हैं वहाँ पे है दूसरा एरिया, उधर साइड पे तीसरा, एंड दैट इज़ द फोर्थ वन, सो इट्स ऑलवेज फुल। वीकेंड पे तो पैर रखने की तक जगह नहीं होती यहाँ पे।
तो जी ये था सनसेट पॉइंट, सनसेट व्यू हमारा माउंट आबू का, और ये था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, और इसके बाद अब हम हेड बैक करेंगे अपने दिल्ली। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आगे की वीडियोस भी आपको पता लगते रहें, और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो डलता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय।